बधाई, धन्यवाद। किसके लिए? चंद्रयान 3 के लिए। क्या आपने कौन से देश में जन्म लिया है जिस देश ने न केवल इस पृथ्वी पर बल्कि अन्य खगोलीय पिंडों पर भी अपनी धाक जमाई है? शुरुआत करें, 2008 तक पढ़ लिया था हमने। पहले बता दें, 1960 में क्या परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन रहते हुए अंतरिक्ष कार्यक्रम स्टार्ट हो गया था? किसके निर्देशन में? विक्रम साराभाई के निर्देशन। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी किसे कहते हैं? विक्रम साराभाई को। उसके बाद में देखें तो 1962 में इनको इस पार एक कमेटी है। कहने का तात्पर्य यही है कि पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया, सीधा इसरो नहीं बनाया, पहले हमने क्या बनाया था? एक कमेटी बनाया इनको इस पार। उस कमेटी को 15 अगस्त 1969 में क्या नाम दे दिया? इसरो। इसरो की स्थापना हुई। इसरो के बारे में पूरा पढ़ना है, पूरे जो भी चेयरमैन अध्यक्ष रहे हुए हैं, इसके प्रमुख रहे हुए हैं अभी कौन है? S. सोमनाथ। मिलान करवा सकता है। 1962 में ही हमने एक रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, TERLS। और यहाँ से 1963 में एक रॉकेट छोड़ा हमने, कौन सा? नाइक अपाचे। उसके बाद में देखें, 1969 की बात हो गई, 1969 में इसरो इसरो और 1972 में, बेहतर में बताओ देंगे, अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग। अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग 1975 में आर्यभट्ट, क्या छोड़ दिया हमने? आर्यभट्ट। उसके बाद में 1979 में भास्कर फर्स्ट, लेकिन उसी ईयर में SLV असफल भी हो गया था। उसके बाद में बात करें तो 1980 में SLV। यहाँ से हमने क्रम से पढ़ना स्टार्ट किया तो 1982 में INSAT-1A, 1983 में INSAT-1B, ये असफल रहा और ये सफल। 1984 में राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री। फिर है 1987, कौन सा रॉकेट बना दिया हमने? ASLV रॉकेट बना लिया हमने। उसके बाद में 1994 में PSLV, भारत का प्रमुख रॉकेट है ये, पहला प्रमुख प्रक्षेपण यान है। और सबसे पावरफुल कौन सा है? GSLV। समझ, मंगलयान पढ़ेंगे आज हम। मंगलयान हमने GSLV से नहीं छोड़ा है, किससे छोड़ दिया हमने? PSLV से। ठीक है, 94 के बाद में 2001 में GSLV, इसके बारे में देखा। इन सभी में तुलना भी हमने कर लिया, SLV, ASLV, PSLV, GSLV। और इन्हीं को पढ़ते समय बीच बीच में कुछ शब्दावली हैं, जैसे कक्षा। कक्षा कौन कौन सी देखा हमने? LEO, LEO, MEO और GEO। मेन तो 3 ही है, बाकी इसके भी 2 हैं, इसके भी 2 हैं, वो अलग अलग होते। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने? उपग्रह। क्या पढ़ा? उपग्रह के बारे में जानकारी लिया हमने कि उपग्रह, कुछ उपग्रह तो कैसे होते हैं? सुदूर संवेदी उपग्रह होते हैं, जिनका उद्देश्य क्या होता है? पिक्चर लेना, फोटो लेना। कौन सी कक्षा में छोड़े जाते हैं ये? लियोम। दूसरे कौन से हैं? नौवहन। नौवहन, यहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना बनती है कि भारत ने स्वयं का भी क्या बना लिया? नेविगेशन सिस्टम तैयार कर लिया, उसका क्या नाम है? नाविक। और दूसरा क्या नाम है उसका? INSS। और तीसरे उपग्रह कौन से होते हैं? संचार। संचार में इनसेट श्रेणी और जी सेट श्रेणी, इनसेट श्रेणी और जी सेट श्रेणी। चौथा जो प्रकार है वो है अनुसंधान। अनुसंधान इस समय भारत इन्हीं पे ध्यान दे रहा है पूरा। इसके कई मिशन है, कई मिशन होते हैं। एक तो कौन सा है? फ्लाई बाई मिशन। दूसरा ऑर्बिटर मिशन, लैंडर मिशन और रोवर। शुरुआत हमने यहां से किया, इसको देखते हैं तो ये तो पास से गुजरते हैं तो अध्ययन करेंगे हम। ये एक ऑर्बिट
कक्षाओं में चक्कर लगाते हुए अध्ययन करेंगे और ये सतह पर लैंड होंगे और सतह पर उतरने के बाद में मूवमेंट भी करेंगे, गति भी करेंगे। यही अंतर था बेसिक। तो 2008 में हमने देखा, 2008 का जो मिशन था चंद्रयान फर्स्ट, वो इनमें से उद्देश्य तो उसका यही था कि चंद्रमा का अध्ययन करेंगे हम। उससे पहले हम हमारी सुविधा के लिए अलग अलग छोड़ते थे, लेकिन चंद्रमा का अध्ययन करने के लिए हमने कौन सा मिशन छोड़ा? ऑर्बिटर मिशन। तो ये भी पहुंच सकता है। कैसा मिशन था ये? ऑर्बिटर। और ये कक्षा में प्रक्षेपित भी किया गया, अच्छे से काम भी किया, इसलिए इसको चंद्रयान फर्स्ट को क्या कहते हैं हम? सफल। ठीक है, तो चंद्रयान सेकेंड थर्ड भी साथ में पढ़ सकते हैं, अपन क्रम से ही पढ़ेंगे। 2008 के बाद में मुख्य जो घटना है वो मंगलयान 2013 में कौन से मिशन के बारे में पढ़ेंगे? मंगलयान फर्स्ट। अभी सेकेंड हमने छोड़ा नहीं है। अब इसमें पहला तो यही देखेंगे कि ये भी कैसा मिशन है इनमें से? ऑर्बिटर। कैसा मिशन है ये? ऑर्बिटर मिशन है ये, ऑर्बिटर मिशन है। अब इसका मतलब समझ गए आप, ऑर्बिटर मिशन का मतलब क्या है? क्योंकि ये मंगल की ऑर्बिट में घूमने के लिए भेजा था इसको, समझ गए? और ये 6 महीने के लिए भेजा था, लेकिन काम कितने दिन किया इसने? 8 साल तक, 8 साल तक काम किया इसने। तो इसका नाम भी अलग है एक, क्या है इसका नाम? MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ठीक है, तो क्या है मंगलयान? एक ऑर्बिटर मिशन है। नाम क्या है इसका? MOM। और इसका जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? अनुसंधान में तो उद्देश्य क्या आएगा? रिसर्च करना। कौन से ग्रह के बारे में? मंगल ग्रह के बारे में, ग्रह के बारे में अध्ययन करना इसका उद्देश्य है। और ये सफल भी रहा था। भारत कौन सा देश बन गया इसमें? चलो रिजल्ट में लिखा देंगे। कब कब भेजा गया ये बताओ देंगे। प्रक्षेपित कब किया गया? प्रक्षेपित कब किया गया? 5 नवंबर 2013 को इसे प्रक्षेपित किया गया। और ये कब पहुंचा मंगल की कक्षा में? कब पहुंचा मंगल की कक्षा में? पहुंचा, क्योंकि ऑर्बिटर मिशन ही है ये, मंगल की सतह पर थोड़ी उतरेगा, सिर्फ मंगल की कक्षा में, ऑर्बिट में, मंगल की कक्षा में पहुंचा। कब पहुंचा ये? 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा। बताओ देखिए, मंगलयान वास्तव में क्या है? ऑर्बिटर मिशन है। ऑर्बिटर का मतलब समझ गए, ऑर्बिट में चक्कर लगाते हुए मंगल का क्या करेगा? ये अध्ययन करेगा। और इसका नाम क्या दिया गया? MOM। MOM का फुल फॉर्म मार्स ऑर्बिटर मिशन। कब प्रक्षेपित किया गया? 5 नवंबर 2013 को। कब पहुंचा ये? रॉकेट का क्या नाम है? रॉकेट PSLV। इसमें एक्सएल, PSLV की 3 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी हैं? CA कार अलोन, दूसरा G ग्राउंड, तीसरा एक्सएल। PSLV एक्सएल नंबर कौन सा? C 25। यहां से क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना है कि कौन से मिशन को कौन से रॉकेट के द्वारा छोड़ा गया है। चार मिशन का नाम होगा, चार रॉकेट के नाम होंगे, मिलान करवाएगा। ठीक है, और रिजल्ट की बात करें, क्या रहा है इसका रिजल्ट? सफल रहा है, सफल रहा है। जीवन काल की बात करें, जीवन काल इसका मात्र 6 महीने ही था, लेकिन कितने समय तक काम किया? लेकिन 8 वर्ष तक कार्य किया। आगे भी ये काम कर सकता था, लेकिन लगभग जब 2022 की बातें हैं, जैसे पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण नहीं होता, सूर्य ग्रहण में पृथ्वी पर छाया पड़ती है,
ठीक है, चंद्र ग्रहण पर चंद्रमा पर छाया पड़ती है। उसी प्रकार मंगल का भी ग्रहण हुआ था और वो उसकी अवधि थोड़ी लंबी थी, हमारे यहाँ पे बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है पृथ्वी ग्रहण सूर्य ग्रहण, इसकी अवधि थी लगभग 7.5 घंटे। तो 7.5 घंटे तक प्रकाश ही नहीं आया इसके ऊपर, इसलिए इसकी जो बैटरी थी वो डिस्चार्ज हो गई, इसकी वजह से ये समाप्त हो गया। ये कब समाप्त हुआ? ये 2022 में। अब ऐसा करने वाला रिजल्ट की क्या बात है? सफल दुनिया का कौन सा देश बन गया? ये दुनिया का चौथा देश, दुनिया का फोर्थ देश। कौन कौन से हैं? पहले यूएसए, रूस और ईयू, यूरोपियन यूनियन, ये ध्यान रखना। अब एशिया से तो पहला ही है भारत, ये कहाँ से हैं? रूस, नॉर्थ अमेरिका, रूस और ईयू, यूरोप। एशिया का भारत पहला देश है, इसलिए चाइना के द्वारा इसको मंगलयान फर्स्ट को प्राइड ऑफ एशिया कहा गया। चीन द्वारा इसे क्या नाम दिया गया? प्राइड ऑफ एशिया, प्राइड ऑफ एशिया नाम दिया गया। ये मुख्य मुख्य बातें किसकी है? मंगलयान के बारे में बताओ कि मंगलयान क्या है, ऑर्बिटर मिशन है, आप तो समझ जाएंगे ऑर्बिटर मिशन है, नाम क्या है इसका, क्या उद्देश्य है, कब प्रक्षेपित किया गया, मंगल की कक्षा में कब पहुंचा ये। मंगल की कक्षा की बात करें तो ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी के इधर तो शुक्र है और इधर मंगल है, मार्स, ये मार्स प्लेनेट है। ये भी कह सकते हैं हम चंद्रमा के बारे में, एक लाइन लिखा होगा हमने कि हमने पहली बार दूसरे किसी खगोलीय पिंड पे भेजा है और पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर प्लेनेट पर कौन सा मिशन भेजा हमने? मंगलयान। तो इसके बारे में कुछ बातें बता सकते हैं। भारत का प्रथम अंतर ग्रह मिशन, ठीक है, दूसरे ग्रह पर पहली बार भेजा हमने, और क्या बना सकते हैं? भारत का प्रथम मंगल मिशन, ठीक है। अब मंगलयान 2 की तैयारियां चल रही हैं, पहली बार भेजा, कहां पर भेजा इसको? ऑर्बिटर मिशन है ने, तो इसका मतलब मंगल की कक्षा में, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। कौन सी कक्षा है ये? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में भेजा, किसे भेजा? मंगलयान फर्स्ट को। किसको भेजा गया? मंगलयान फर्स्ट, और उसका नाम क्या था? MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। ये पूरा एक चक्कर लगाने में इसका जो परिक्रमण काल वो है 77 घंटे। 77 घंटे में ये एक चक्कर पूरा लगा था, किसके चारों ओर? मार्स के। अभी तक मार्स की सतह पर नहीं उतारा हमने। जो मंगलयान 2 भेजेंगे वो भी ऑर्बिटर मिशन ही है दोबारा से, उसके बाद में हम देखेंगे लैंडर मिशन, तो उसके बाद में, समझ गए? जिस प्रकार चंद्रयान फर्स्ट कैसा था? ऑर्बिटर मिशन था, लेकिन चंद्रयान सेकेंड में हमने क्या ऐड कर दिया? लैंडर, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया, और चंद्रयान थर्ड में वो सक्सेस भी हो गया। तो पहला प्रयास यही किया जाता है कि पहले ऑर्बिट में भेजो, समझ गए, हम यहाँ तक पहुँचते हैं, फिर उसके बाद में सतह पर लैंड करवाएंगे, फिर सतह पर रोवर को छोड़ा जाएगा, और रोवर चलते हुए क्या करता है? अध्ययन करता है, समझ गए क्या? पृथ्वी से क्या छोड़ा हमने? यस, MOM। MOM के बारे में कह सकते हैं कि मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है? 77 घंटे। मात्र 6 महीने के लिए भेजा था हमने, लेकिन इसने 8 साल तक काम किया। तो ये तो भारत का है। दूसरा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि विश्व के प्रमुख मंगल मिशन कौन कौन से हैं? क्या बना सकता है विश्व के, कि अन्य देशों ने तो छोड़ दिया, विश्व के प्रमुख मंगल मिशन भारत का तो कौन सा है?
एम ओ एम। भारत कौन सा देश बन गया? चौथा। पहला कौन सा है? यूएसए। पहले कौन कौन से हैं? इधर देश का नाम लिख देता हूँ और इधर मिशन का नाम। यूएसए, यूएसए का है परजीवरेंस। ठीक है, रूस का कौन सा है? रूस के हैं मंगल टू और मंगल थ्री। भारत, फिर ईयू, यूरोपियन यूनियन, इसका है एक्सो, मार्स, मार्स के बाहर, एक्सो मार्स मिशन। भारत का कौन सा है? भारत का कौन सा है? एम ओ एम। उसके बाद में और भी देशों ने छोड़ दिया, चाइना ने भी छोड़ दिया, अब तो तियानवेन फर्स्ट, तियानवेन फर्स्ट, ये प्री में आ चुका है कई बार, तियानवेन फर्स्ट। और एक यू ए ई, संयुक्त अरब अमीरात देश है, इसका कौन सा है? होप। कौन सा है? होप। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं प्री में, समझ गए। भारत का तो कौन सा था? एम ओ एम। अन्य प्रमुख मंगल मिशन की बात करें तो कौन कौन से हैं बताओ? देखे यूएसए परजीवरेंस, रूस मंगल टू मंगल थ्री, ईयू एक्सोमार्स, भारत एम ओ एम, चीन यूएई होफ। समझ गए, ये मुख्य मुख्य बातें किसकी हैं? मंगलयान फर्स्ट की। भविष्य में हम कौन सा छोड़ेंगे? मंगलयान सेकेंड। भविष्य में भारत द्वारा मंगलयान सेकंड भेजा जाएगा जो भी ऑर्बिटर मिशन होगा। ये भी क्या होगा? ऑर्बिटर मिशन होगा, समझ गए। एक बार रिवीजन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम, कि पहले बताओ देखें 2008 में तो क्या चंद्रयान फर्स्ट, 2008 के बाद में जो प्रमुख घटना है अंतरिक्ष में वो क्या है? मंगलयान। हम टाइम के अकॉर्डिंग ही पढ़ रहे हैं पूरा, उससे पहले रिवीजन करूंगा एक बार। 60 में, कहने का तात्पर्य कि भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है वो 1960 के दशक में ही स्टार्ट हो गया था, किसके अधीन? परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन, और उसके प्रमुख जो गाइड कौन कर रहे थे? विक्रम साराभाई, उनको क्या कहते हैं? भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहते हैं, ठीक है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहते हैं? होमी जहांगीर बाबा को। उसके बाद में जो प्रमुख एजेंसी है वर्तमान में वो कौन है? इसरो। इसरो की स्थापना तो 1969 में, उससे पहले 1962 में एक कमेटी बना दिया हमने इनको, इस पार एक कमेटी एक समिति है, ठीक है। उसके बाद में 1962 में एक लॉन्चिंग स्टेशन बनाया, TERLS, एक लॉन्चिंग स्टेशन है। इसी स्टेशन से 1963 में कौन सा रॉकेट छोड़ा हमने? नाइक अपाचे, ठीक है। 1969 में इनको, इस बार को क्या बना दिया? इसरो। 72 में परमाणु ऊर्जा विभाग और आयोग। 75 में आर्यभट्ट। 79 में भास्कर फर्स्ट और SLV असफल हो गया। 80 में SLV सफल। 82 में INSAT-1A असफल, नासा की सहायता से संचार उपग्रह था। 83 में INSAT-1B सफल। 84 में राकेश शर्मा सफल। 87 में ASLV। 94 में PSLV। 93 में असफल हो गया था, PSLV असफल हो गया था। 2001 में GSLV। इसके बाद में शायद डायरेक्ट 2008 ही पढ़ा हमने चंद्रयान फर्स्ट, तो ये सीक्वेंस अच्छे से याद हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिखवा रहा हूँ। उसके बाद में बात करें हम कि उपग्रह चार प्रकार से होते हैं, सुदूर संवेदी, पिक्चर लेंगे, नौवेन, संचार, अनुसंधान। इस समय पूरे विश्व में अधिकांश जो भी अंतरिक्ष एजेंसियां हैं वो किस पे फोकस है? अनुसंधान। इस प्रकार के मिशन ही मिशन है, कहीं पे आपने देखा होगा कि ऑर्बिटर मिशन है, कोई कह रहा लैंडर मिशन है। अब लैंडर के साथ में क्या होता है? रोवर। रोवर को इसके अंदर ही भेजा जाता है, वहां पे उतरेगा, कुछ समय बाद में इसमें इससे बाहर क्या निकलेगा? रोवर। इस चंद्रयान थर्ड की बात करें तो मात्र 10 से 15 मीटर के दायरे में
10 से 15 मीटर के दायरे में रोवर घूमता रहेगा बस वहां पे, ज्यादा दूर नहीं जाएगा, और एक सेकंड में एक सेंटीमीटर चलेगा बस, बिल्कुल धीरे धीरे, पलट नहीं जाए, गिर नहीं जाए, आराम आराम से, और अध्ययन करेगा ये चलता रहता है सतह पे, और ये एक जगह स्थिर है, एक जगह स्थिर है। तो इस समय ये मिशन चल रहे हैं, तो हमने कहां से शुरुआत किया, ऑर्बिटर मिशन से, चंद्रयान फर्स्ट, और मंगलयान भी कैसा था, ऑर्बिटर मिशन ही था। भारत का पहला अंतरग्रह मिशन कौन सा है, भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा है, मतलब पहली बार भविष्य में हम शुक्रयान भी भेजेंगे, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, मंगल भी भेज दिया हमने, शुक्रयान भी भेजेंगे, वो दूसरा अंतरग्रह हो जाएगा, ठीक है, भारत का पहला मंगल मिशन हो गया। और ये ऑर्बिटर मिशन है या लैंडर मिशन है, ऑर्बिटर मिशन है, पूरा नाम क्या है इसका, मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या उद्देश्य है इसके, कब प्रक्षेपित किया गया, 5 नवंबर 2013 को, कब पहुंचा ये, इतना वक्त क्यों लगता है इनमें जाने में, क्योंकि ये सीधे नहीं जाते हैं, ये चक्कर लगाते हुए जाते हैं। जैसे चंद्रयान थर्ड की बात करें तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में दूरी तो कितनी है, 384,000 किलोमीटर, लेकिन हमारा चंद्रयान थर्ड कितनी दूरी तय किया, 55 लाख किलोमीटर, चक्कर घूमते घूमते, चक्कर लगाते लगाते फिर आगे बढ़ता है, फिर दूसरी कक्षा में चेंज करेंगे, फिर चक्कर लगाता रहेगा, फिर आगे चलेगा, ऐसे चलाता है। रूस ने क्या किया, एक आधा चक्कर इधर लगाया और सीधा आगे भेज दिया, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन फेल हो गया। उसके बाद में बात करें, ये पिक्चर है, पृथ्वी से हमने क्या छोड़ा, MOM, MOM कौन सी कक्षा में, मंगल की दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, और इसका परिक्रमण काल कितना है MOM का, 77 घंटे, ठीक है, 77 घंटे में एक चक्कर पूरा लगाता है, परिक्रमण किसे कहेंगे, पूरा एक चक्कर, और घूर्णन अपने अक्ष पे घूमना। रॉकेट कौन सा था इसमें, अच्छा कहां से छोड़ते हैं ये तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, ये भारत का एक ही स्थान है प्रक्षेपण, कौन सा, सतीश धवन स्थान की बात करें तो क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा, हरिकोटा आंध्र प्रदेश, ठीक है। रिजल्ट क्या रहा इसका, सफल, क्यों हमने कौन से उद्देश्य से भेजा था, ऑर्बिटर के उद्देश्य से भेजा था। इसका जीवन काल 6 महीने ही था, लेकिन कितने महीने तक काम, कितने वर्ष तक काम किया इसने, 8 तक, 2022 में ये समाप्त हुआ। और उसके पीछे रीजन यही है कि मंगल पे क्या हुआ, मंगल ग्रहण, वो लगभग 7.5 घंटे तक मंगल ग्रहण हुआ, उसमें सूर्य का प्रकाश आता नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं आया तो इसकी जो बैटरी है वो डिस हो गई। उसके बाद में सफल होने के बाद दुनिया का कौन सा देश बन गया, भारत चौथा देश, कौन कौन है, USA, रूस, EU, एशिया का पहला देश है, एशिया का तो पहला ही है, इसलिए चाइना ने इसको क्या नाम दिया, प्राइड ऑफ एशिया नाम दिया। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है कि विश्व के प्रमुख मंगल मिशन कौन कौन से हैं, USA का कौन सा है, परसीवरेंस रोवर, पूरा नाम क्या है इसका, रोवर, रूस का मंगल 2 मंगल 3, EU का, यू समझ जाओगे, यूरोपियन यूनियन, भारत का MOM, चीन का 93वें फर्स्ट, और UAE होप, ठीक है। इन फ्यूचर हम कौन सा भेजेंगे, मंगलयान 2, और मंगलयान 2 भी कैसा होगा, ऑर्बिटर मिशन ही होगा, मतलब कक्षाओं में चक्कर लगाएगा। लिखो नेक्स्ट जो भी नंबर है 8 के बाद में, 2013, ईश्वर की दया से 2 क्वेश्चन भी आ जाएं, 3 भी आ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपके क्वेश्चन सही होंगे। चंद्रयान फर्स्ट कौन से रॉकेट से भेजा था, PSLV C-11, फिर 25, फिर 30 37, ऐसे इंपॉर्टेंट 3-4 पढ़ेंगे, फिर तो अपना बाहुबली आ जाएगा 19 में, तो GSLV Mark III।
कितने गौरवान्वित महसूस करते हैं आप, भारत में जन्म लिया, पाकिस्तान में जन्म ले लेते तो? पेन ऑन कर सकते हैं। जैसे एक ही लाइन ध्यान रखना अपने को, तो ये क्या है, ये आदमी का नाम है या फिर क्या है, क्या है, क्या ये नहीं, तो ये ऑर्बिटर मिशन। अब इससे आप समझ जाओगे कि ऑर्बिट में भेजा गया मंगल के लिए है, ये नाम है, ये छोड़ा छोड़ा गया। बताओ देंगे, याद करो नाम क्या है इसका, MOM, मार्स ऑर्बिटर मिशन। कहां भेजा गया ये, मंगल ग्रह की कक्षा में, कौन सी कक्षा, दीर्घवृत्ताकार कक्षा। कब प्रक्षेपित किया गया, 5 नवंबर 2013 को, और कब पहुंचा, 24 सितंबर 2014 को। ये जरूर ध्यान रखना, अंतरग्रह मतलब पहला, पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर हमने भेजा। लेकिन अन्य खगोलीय पिंड पूछ ले तो चंद्रयान, चंद्रयान ये डायग्राम बना लो, क्योंकि चित्री आपको याद होते हैं, मुझे किसे पता। सुनाया चंद्रयान थर्ड बेस दही, सभी लड्डू खा रहे थे। इसमें कैमरा है कि मिथेन सेंसर ऐसे, हाँ हाँ दस 14 दिन बाद खत्म हो जाएगा। फोटो वोटो दे रहे हैं ना, दे देगा तुरंत। हाँ चंद्रयान थर्ड 14 दिन बाद में बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा अपने को, कनेक्शन फ्री हो जाएंगे हम। बना लिया ये, अब तो समझ जाओगे, आगे बढ़े। ये दीर्घवृत्ताकार कक्षा किसने दिया था, ये नियम कैपलर ने, कक्षाओं का नियम लिखो आगे।
लिख लिया, कोई जरूरी नहीं चंद्रयान थर्ड से क्वेश्चन आए, भारत के जितने भी मिशन हैं उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और अब तो मिशनों की जड़ी लग जाएगी, भारत में कॉन्फिडेंस आ गया, गगनयान, मंगलयान टू और आदित्य एल फर्स्ट, निशार, चलो कौन सा रॉकेट है, XLC-25। और चंद्रयान फर्स्ट में कौन सा था, 11। रिजल्ट सफल, कहां से छोड़ा गया, श्री सतीश धवन स्पेस सेंटर, जीवन काल 6 महीने, दुनिया का चौथा देश। चाइना ने क्या नाम दिया इसको, प्राइड ऑफ एशिया। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे ये वाला। सवा साल हो गई लेकिन स्पीड नहीं बढ़ रही, क्या बात है लिखने की। लिख लिया, बताओ तो कि यूएसए का मंगल मिशन कौन सा था, रूस का, ईयू का, भारत का, चीन, यूएई, यूएई समझते हैं, संयुक्त अरब अमीरात, कहाँ पर है, कहाँ से गए देश, इधर 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 वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया, सऊदी अरब के पास में नीचे, कौन सी खाड़ी है, फारस की खाड़ी, ठीक है। भविष्य में भारत द्वारा मंगलयान 2 भेजा जाएगा, भविष्य में भारत द्वारा मंगलयान 2 भेजा जाएगा, भविष्य में भारत द्वारा मंगलयान 2 भेजा जाएगा जो भी ऑर्बिटर मिशन होगा, ऑर्बिटर मिशन होगा। सबसे रोचक बात यह है कि चंद्रमा के बारे में पहली बार आदमी मानव किसने उतारा था, रूस ने, अमेरिका ने, यूएसए ने, नासा ने उतारा था, कब, 1969 में। कितना टाइम हो गया अब तक, आज देखे तो 31 और 23 कितने हो गए, 50 साल से ज्यादा हो गया। आज दोबारा से भेज रहा है कौन, नासा, अब डरता है, डायरेक्ट नहीं उतार रहा ये, अब कहता है कि पहली बार तो मैं चक्कर लगा के वापस ले आऊंगा, फिर हाथ लगा के वापस आ जाएंगे, उसके बाद तीसरे फेज में मैं उतारूंगा,
क्या गारंटी है 50 साल पहले डायरेक्ट उतार दिया इसने? गारंटी क्या है उसकी, शक ये दायरे में है या नहीं है, झूठ बोलता कि नहीं बोलता, जैसे अपने गुरुजी बोलते हैं यहाँ पे सभी, सही है। आगे बढ़े 13 के बाद में 15 में वापस से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट समझ गए, क्रम से ही पढ़ रहे हैं हम। एस्ट्रोसेट का नाम सुना है 2015 में, क्या भेजा हमने एस्ट्रोसेट? एस्ट्रोसेट क्या है? अंतरिक्ष स्टेशन। ज्यादा बेस्ट इसका उद्देश्य यही था कि जैसे ये हमारी पृथ्वी है, क्या है ये पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा, ये कक्षा है, सबसे पास में कौन सी कक्षा होती है, सबसे पास में कौन सी कक्षा होती है, लियो। लियो कहां से कहां तक है? 2000 किलोमीटर तक छोड़ सकते हैं, लेकिन सामान्यतः हम कहां छोड़ते हैं, 900 से 1000 के आसपास। ये कक्षा है लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। इस कक्षा में हमने एक वेधशाला छोड़ा, हमने खगोलीय वेधशाला, वेधशाला किसे कहेंगे, जो भी आकाशीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, उनका अध्ययन करने के लिए एस्ट्रोसेट भेज दिया 2015 में। यहां पर है एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट लगभग इसकी ऊंचाई की बात करें, यह ऊंचाई है 650 किलोमीटर, और कक्षा कौन सी है, लियो। ये चारों चक्कर लगा रही है, कब भी जम नहीं है, 2015 में। तो एस्ट्रोसेट क्या है, एक खगोलीय वेधशाला है, ज्यादा अच्छा शब्द क्या रहेगा इसके लिए, खगोलीय वेधशाला है, वेधशाला है। इसने अध्ययन भी किया है, इसने बताया भी है कि आकाशगंगा प्रारंभ में कैसे थी, ऐसे कुछ बातें इसने बताया हमें, खगोलीय वेधशाला है। तो मिशन कौन सा हो गया, भारत का पहला खगोलीय विज्ञान मिशन हो गया ये। मंगलयान के बारे में क्या लिखते हैं, भारत का पहला मंगल मिशन। चंद्रयान के बारे में, चंद्रयान फर्स्ट के बारे में, भारत का पहला चंद्र मिशन, इसको क्या लिखेंगे, भारत का पहला, भारत का पहला खगोल विज्ञान, मतलब खगोल विज्ञान का क्या करेंगे, अध्ययन, खगोल विज्ञान मिशन है। पूछे आपसे कि भारत का पहला खगोल विज्ञान मिशन तो कौन सा है, एस्ट्रोसेट, कब भेजा गया, 2015 में। अब इसके बारे में बात करें, लॉन्च कब है, 28 सितंबर 2015 को। रॉकेट का नाम 15, रॉकेट का नाम PSLV C-30। 25 के बाद में कौन सा गया, 30, किसके द्वारा भेजा गया, PSLV C-30। कहां से भेजा गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, समझ जाओगे, कब भेजा गया देख ही लिया हमने, कहां भेजा गया, कहां से, ये तो है कहां से, और कहां पर, कहां पर, लियो में, कहां पर भेजा गया, लियो में। कितनी ऊंचाई है, 650 किलोमीटर ऊंचाई पर, 650 किलोमीटर ऊंचाई पर भेजा गया। ये मुख्य मुख्य बातें हैं। ये दुनिया से अलग कैसे है, दुनिया से अलग इसलिए है कि और अन्य देशों ने अलग अलग उपग्रह भेजा अलग अलग अध्ययन के लिए, अलग अलग तरंग दे रही है, जो भी स्थितियां हैं उसके अध्ययन के लिए अलग अलग भेजा। हमने एक ही उपग्रह भेजा, और उस उपग्रह की सबसे बड़ी विशेषता ये कि वही तो अल्ट्रावायलेट तरंगों का अध्ययन करेगा, वही एक्सरे तरंगों का अध्ययन करेगा, सभी जो भी वेवलेंथ हैं, तरंगे हैं, उन सभी का अध्ययन कौन करेगा, अकेला उपग्रह करेगा। और ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। क्या लिखेंगे, यह बहु तरंग धैर्य, बहु तरंग धैर्य खगोलीय मिशन है, खगोलीय मिशन है, अर्थात एक ही उपग्रह द्वारा सभी तरंगों जैसे
एक्सरेज, पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट, ये तो अल्ट्रावायलेट वही हो गया, पराबैंगनी तरंगों का अध्ययन करेगा, अध्ययन करेगा। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश है। आया समझ में? अंतरिक्ष का अध्ययन करने के लिए, सौरमंडल सोलर सिस्टम का पूरा अध्ययन करने के लिए हमने क्या भेजा? एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट वास्तव में क्या है? खगोलीय वेधशाला है। समझ गए? खगोलीय वेधशाला है। भारत का पहला खगोल विज्ञान मिशन भी कौन सा है? भारत का पहला मंगल मिशन कौन सा है? भारत का पहला चंद्र मिशन कौन सा है? उसी प्रकार खगोल विज्ञान का अध्ययन करने के लिए कौन सा मिशन है पहला? एस्ट्रोसेट। कब लॉन्च किया गया? 28 सितंबर 2015 को। कौन से रॉकेट के द्वारा? कहां से भेजा हमने? कहां पर भेजा? लियो में, लियो कक्षा में भेजा, पृथ्वी की लियो कक्षा में भेजा। लगभग ऊंचाई कितनी है? 650 किलोमीटर। समझ गए? क्या करेगा ये? कैसा मिशन है ये? बहु तरंग देदरिया खगोलीय मिशन है। समझ गए? तो एक ही उपग्रह द्वारा सभी तरंगों का अध्ययन किया जाएगा। ऐसा करने वाला भारत विश्व का पहला देश। लिखो लिखो एस्ट्रोसेट, एस्ट्रोसेट। आवाज लिखा गया आपने। तो एक ऐसी वेधशाला भेजा हमने जिसमें एक ही उपग्रह सभी प्रकार के काम करेगा, सभी तरंगों का अध्ययन करेगा। तो ऐसी वेधशाला भेजने वाला तो भारत पहला देश है, लेकिन ऐसी वेधशाला और देशों ने भेजा है जिन अलग अलग उपग्रह हो सकते हैं, उसमें नंबर अपना पांचवा। नहीं समझे? ऐसी वेधशाला जो एक से अधिक तरंगों, मतलब बहु तरंग देदरिय खगोलीय मिशन, तो भारत पहला स्थान है बहु तरंग देदरिय खगोलीय मिशन में। तो लेकिन वेधशाला तो पहले भी किसी ने भेजा है, उसमें हमारा पांचवा नंबर है। मंगलयान में कौन सा स्थान था? चौथा। कौन कौन थे टॉप थ्री? ईयू, बताओ देंगे दोबारा से कौन कौन है?
यूएसए, रूस, ईयू, एक है जापान इसमें, और भारत कौन से नंबर पे है? पांचवें नंबर पर है। वेधशाला, सिर्फ वेधशाला भेजने में तो कौन सा नंबर है भारत का? पांचवा। हमारे से पहले चार ये हैं, लेकिन हमने ऐसी वेधशाला भेजा जो एक ही उपग्रह के द्वारा अनेक कार्य किए जाएंगे, अलग अलग तरंग दैर्ध्यों का अध्ययन किया जाएगा। तो लिखो इस लाइन को, वेधशाला भेजने वाला भारत पांचवा देश है, वेधशाला भेजने वाला भारत, खगोली वेधशाला भेजने वाला भारत पांचवा देश है, पांचवा देश है। ये पांच की जगह चार लिख देगा, छह लिख देगा, तो इसको थोड़ा याद ही करना, क्योंकि स्टेटमेंट बनाएगा, माइनर अंतर होगा उसमें। और चार कौन कौन से हैं? यूएसए, रूस, ईयू, जापान। एस्ट्रोसेट क्या है? भारत का कौन सा मिशन है? ये भारत का पहला खगोल विज्ञान मिशन है। कौन सी विज्ञान का अध्ययन करेगा ये? खगोल विज्ञान का, स्पेस में जो भी खगोलीय पिंड हैं उनके बारे में अध्ययन करेगा ये। कब लॉन्च किया? कौन से रॉकेट के द्वारा? मंगलयान में कौन सा था? 25। चंद्रयान फर्स्ट में 11, 11, 25, 30, फिर आगे 37 के बारे में पढ़ेंगे। कहां से भेजा हमने? कौन सी कक्षा में भेजा? कितनी ऊंचाई पर? लगभग 650 किलोमीटर की ऊंचाई पर। और ऐसा करने वाला देश भारत है पांचवा। चार कौन कौन से हैं? और फिर देखें तो यह बहु तरंग दैर्ध्य है, खगोलीय मिशन है। लिखो इसको, यह बहु तरंग दैर्ध्य है, खगोलीय मिशन है। अर्थात एक ही उपग्रह द्वारा सभी तरंगों जैसे एक्सरे, पराबैंगनी का अध्ययन किया जाएगा, मल्टी वेवलेंथ स्पेस मिशन। अंडरलाइन भी कर लेना इसको, बहु तरंग दैर्ध्य। भारत का प्रमुख प्रक्षेपण यान, भारत का शक्तिशाली प्रक्षेपण यान जीएसएलवी। पीएसएलवी ने वो काम किया है जो दुनिया के जीएसएलवी हाई टेक्नोलॉजी के यानों ने भी नहीं किया। पीएसएलवी ने एक साथ 104 उपग्रह भी छोड़े हैं, तो कम से कम उसका नाम तो याद रखना ही अपने को। उसका नाम है पीएसएलवी C-37। क्या नाम है उसका? C-37। रिकॉर्ड बना अपने नाम। उससे पहले रूस के नाम था, रूस ने 37 उपग्रह भेजे थे 2014 में, फिर हमने 104 भेज दिया। तो बाद में एक निजी कंपनी स्पेसएक्स, एलन मस्क की तो निजी, उसने कितने छोड़े? 143। इस समय रिकॉर्ड किसके नाम है? उसके नाम, लेकिन निजी है वो तो, ये सभी गवर्नमेंट है। लिख लें उसके बारे में भी। नेक्स्ट 2017 में क्या कारनामे किया हमने? कौन सी उपलब्धि प्राप्त की? कौन सा रॉकेट है?
रॉकेट है PSLV C-37 भेजा हमने, छोड़ा हमने यहां नहीं, ये फरवरी है शायद, फरवरी 15 फरवरी 2017 को एक साथ लिखो, एक साथ 104 उपग्रह छोड़े गए, एक साथ 104 उपग्रह छोड़े गए। इसमें एक तो था कार्टोसेट टू, एक तो क्या था कार्टोसेट टू, और 103 नैनो उपग्रह छोटे उपग्रह थे, ठीक है। एक क्लासिफिकेशन तो ये है इसका, आवाज नहीं। इन्हीं 104 में से भारत के तो कितने थे 3, और विदेशी कितने थे 101। इसका मतलब इसरो पैसे कमाने लग गए अब, समझ गए, पैसे ले ले करके छोड़ने का काम करते हैं। ऐसे मानते हैं कि 100 करोड़ रुपए कमाए थे इसमें, कितने करोड़ रुपए 100, इनमें से 98 के आसपास, 97-94 कितने वो तो नासा के थे उपग्रह, नासा भी हमारे से छुड़वाता है, क्यों, उसके खर्च होते हैं 100 करोड़ रुपए, अपन किस में छोड़ देते हैं 100-200-400 करोड़ में ही छोड़ जाते हैं उपग्रह को, तो हमारा सबसे सस्ता भी हम ही है, सबसे इजी भी हम ही छोड़ते हैं। लिख लो इसको, डेट है ये डेट, इस डेट को 17 को छोड़ा गया, प्रक्षेपित किया, अधिकतम 37 उपग्रह छोड़े गए, और 2023 में 2023 में स्पेस एक्स नामक निजी कंपनी द्वारा 143 उपग्रह छोड़े गए। रिकॉर्ड बनाया, लेकिन रिकॉर्ड को किसने तोड़ दिया, स्पेसएक्स। कल हम चंद्रयान सेकंड पढ़ लेंगे, उसके बाद में चंद्रयान थर्ड पढ़ेंगे, फिर एक क्लास होगी कि भविष्य के कौन कौन से मिशन होंगे, गगनयान, आदित्य एल फर्स्ट, निशार, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। तो मैक्सिमम 2 क्लास और होंगी, ठीक है, और इसकी क्लास यूट्यूब पर भी डाल देंगे। अब सही है कि सभी क्लास सही है, नहीं अपनी बदनामी हो जाए बार, वो जाने तो अपना कौन क्या बिगड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। 2 तो डाली रखा अपने, नैनो डिफेंस तो पूरी पूरी डली हुई है, स्पेस की क्लास एक साथ डाल देंगे, और स्पेस से कंफर्म किसने आएगा, इनको दोबारा सुन भी लेना स्पीड में। थैंक यू।